दोस्तों नरूटो में हीरो का तो कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन दोस्तों विलन्स भी किसी से कम नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं नरूटो में टॉप 10 सबसे इविलेस्ट विलन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों मास्टर किशिमोटो का नरूटो निंजा का एक स्टोरी होता है, और उसमें एक बॉय भी होता है जिसका नाम दोस्तों नरूटो उसामाकी होता है, और उसका एम एक ग्रेटेस्ट निंजा बनने का होता है, और इसके साथ साथ वो विलेज का एक होकागे भी बनना चाहता था। ये स्टोरी में हमें कई सारे पावरफुल निंजास को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें अगर निंजा हीरोस है तो दोस्तों ऑब्वियसली इनके खिलाफ विलेज भी जरूर होंगे। अगर हम नरूटो में देखते हैं तो इसमें हमें बहुत ही अच्छे अच्छे विलेज को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि नरूटो में कौन सबसे इविल वाला विलन होगा, या तो कौन टॉप 10 इविल विलन में आएगा? अगर नहीं सोचे हैं तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए टॉप 10 इविल विलन का काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 हिडन, दोस्तों को अपने मजे के लिए मारना पसंद करता है। दोस्तों हिडन एक्सासुकी का एक मेंबर था और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक था। यहाँ पर जासिन कल्ट का मेंबर होने के नाते उसको अपने सैक्रिफाइस के बदले इमोर्टलिटी का ऑफर दिया गया था। अगर हम नोटिस करते हैं तो दोस्तों कुछ कुछ विलन्स की स्टोरी के केस में फैंस उनके कंडीशन को जान के उनको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि दोस्तों पेन के खिलाफ ऐसा हुआ था, लेकिन दोस्तों हिडन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका एपीयरेंस जब भी होता है तब तक इसका संकेत हमें मिला है कि जरूर कुछ इविल या तो खतरनाक होने वाला है। लास्टली ये अपना इविल होने का प्रूफ को दे दिया था जब इसका बैटल शिकामारू से हुआ था, और ये बैटल बहुत ही खतरनाक भी हुआ था। नंबर 9 पे आता है शाशोरी, मानव को अपना कठपुतली बना के उनको अपना आर्ट मानता है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो शाशोरी एक बार शुना काकुरे का निंजा था, जिसको कि एक जीनियस माना जाता था, लेकिन थर्ड ग्रेट निंजा वॉर इवेंट के बाद इसको गांव से बेदखल कर दिया गया था, और फिर ये एक्सासुकी में ज्वाइन हो गया था। फिर जाके ये उसके विलेज का तीसरा कागेकाजे को किडनैप कर लिया था, और उसको एक मानव कठपुतली यानी दोस्तों ह्यूमन कठपुतली बना दिया था। यही सेम चीज ये कई लोगों के साथ कर चुका है उनको मारने के जरिए। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों वो उसके ऑर्गन्स को भी रिमूव कर देता था और उससे उसका कठपुतली को बनाता था, यहाँ तक कि दोस्तों ये खुद को भी एक कठपुतली में चेंज कर दिया था। लास्ट ये बहुत ही ट्विस्टेड और इविल विलन है। और इस पर 8 पे आता है पेन, सिर्फ अपने एनिमी को होपलेस फील करने के लिए हजारों को मार दिया था। दोस्तों पेन बहुत ही पावरफुल विलन था, और यहाँ तक की स्टोरी में इसको बेस्ट माना जाता है, लेकिन जब वो वॉर में एक विक्टिम की तरह हो गया था तब उसको बाकी के लोगों के लिए भी वही लगा कि ये जैसा विक्टिम बना है वैसे ही बाकी लोग भी विक्टिम ही हैं। इसके बाद खतरे को टालने की वजह ये जिनचिरके को चुरा के काउंटर्स लोगों को मार दिया था। यहाँ पर दोस्तों हिडन लिव शिनोवी का यानी निंजास का डर को देखने के लिए वो पूरे एंटायर विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और काउंटर्स इनोसेंट सिविलियंस लोगों को मार दिया था। बड़े दोस्तों इसका पास्ट की वजह से इसके ऊपर दया को दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके कारनामे को बिल्कुल भी इग्नोर किया नहीं जा सकता। अब इस 7 पे आता है कुबुटो, ओरिची मारू का फुट स्टेप को फॉलो करता था। दोस्तों कुबुटो एक ओरिची मारू का फॉलोअर था, और ओरिची मारू की तरह कुबुटो भी एक विलन था। सभी नरूटो विलन के जैसे कुबुटो का भी एक बैक स्टोरी था, और इसका बैक स्टोरी की वजह से इसका एक रीजन भी था कि क्यों ये ऐसा विलन बन गया। इसका एक्शन जैसा जैसा था उसका दोस्तों कोई भी जवाब नहीं है, और वहीं दूसरे टाइम में दोस्तों का कब्र भी खोद रहा था क्योंकि दोस्तों वो इडो टेंशाई को प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन दोस्तों बाद में ये अच्छे में चेंज हो गया था। पर दोस्तों जब तक ये अच्छा नहीं बना था ये बहुत ही डेंजर था। अब इस 6 पे आता है ओरिचिमारू, सभी इविलेस्ट पीपल में से एक है। दोस्तों इसको हम आसानी से सभी बड़े विलन में से एक कह सकते हैं। इसके पहले अपीयरेंस से ओरिचिमारू बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल वाला विलन रहा है। ओरिचिमारू उन सभी बच्चों का शिकार किया था जिनमें दोस्तों बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था, और उन सभी को फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। ये बहुत सारे हॉरिफाइंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसके वजह से दोस्तों कई लोगों का मौत भी हो गया था। ओरिचिमारू जिस विलेज में जन्म लिया था वो उस विलेज में अटैक भी किया था, और उसके टीचर को मार गिराया था जो टीचर उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, यानी दोस्तों थर्ड होकागे। और दोस्तों स्टोरी में तो ये ऑब्वियसली एक इविलेस कैरेक्टर था। अब इस 5 पे आता है डेंजो का, क्रूरता का कोई भी लिमिट को नहीं जानता था। दोस्तों डेंजो कोना काकुरे का एक एल्डर था जो कि दोस्तों सारुटोबी का दोस्त भी था, और दोस्तों यहाँ पर सारुटोबी थर्ड होकागे था। सारुटोबी के ऑपोजिट डेंजो का बहुत ही अजीब मेथड सब था जिसमें दोस्तों बहुत ही क्रूरता शामिल था। इतना ही दोस्तों बल्कि डेंजो कई सारे बड़े बड़े ट्रेजेडीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि दोस्तों याहिको का डेथ, और यहाँ तक कि दोस्तों उचिया क्लान के नरसंहार के पीछे इसका ही हाथ था। जब पेन विलेज में अटैक किया था तब दोस्तों डेंजो अपने विलेज के मरते हुए लोगों का भी हेल्प नहीं किया था, बस उसको इतना ही पता था कि अगर कोई अपना लिमिट को क्रॉस किया तो फिर वो मारा जाएगा और मैनिपुलेट भी किया जाएगा,
इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक था। और इसमें फोर पे आता है ओबिटो उचिहा, अपने एक्शन के जरिए वर्ल्ड को अशांति में डाल दिया था। दोस्तों पहले कभी ओबिटो एक काइंड हार्टेड लड़का हुआ करता था, लेकिन दोस्तों रिन के डेथ के बाद यानी अपनी गर्लफ्रेंड के डेथ के बाद ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था। ये इतना चेंज हो गया था कि इसके स्टोरी में ये एक बिगेस्ट विलन बन चुका था और बहुत से लोगों को मैनिपुलेट भी कर दिया था, जैसे कि दोस्तों नागाटो उज़ुमाकी को, फोर्थ मेरु कागे को भी मैनिपुलेट कर दिया था। ओबिटो अनगिनत लोगों को मार चुका था क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में अशांति को देख सके। ये खुद के विलेज के ऊपर भी अटैक कर दिया था और दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने टीचर को मार दिया था और साथ में दोस्तों उसके इनोसेंट वाइफ को भी मार दिया था। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये इनडायरेक्टली एक जन्म हुए बेबी को भी मारने का ट्राई किया था। यहाँ पर दोस्तों ये मैं नारुतो, उसके बाप और उसके माँ का बात कर रहा हूँ। ये सब चीज से दोस्तों आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक था, लेकिन दोस्तों फिर ये फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा काम किया था, यानी दोस्तों अपने हीरोज का बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। अब इस वक्त थ्री पे आता है मादारा उचिहा, या फिर दोस्तों अगर आप जापानीज देखते हो तो मादारा उचिहा। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो मादारा उचिहा एक शांति का दुनिया चाहता था, लेकिन मादारा का ये चीज करने का तरीका एकदम गलत था। मादारा कई सारे पीपल्स को मैनिपुलेट कर लिया था क्योंकि वो उनको उसके तरफ कर सके। नहीं नहीं बल्कि दोस्तों ओबिटो भी इससे ज्वाइन हो गया था और फिर जाके दोस्तों मादारा इसको मैनिपुलेट भी कर लिया था क्योंकि ओबिटो इसके लिए काम कर सके। यहाँ पर दोस्तों मादारा उचिहा पूरे शिनोबीज के बैटालियन को मार गिराया था क्योंकि दोस्तों वो यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो एक उल्का पिंड को लाके उनके ऊपर गिरा दिया था। और तो दोस्तों मादारा उचिहा सिर्फ और सिर्फ अपने फन के लिए ह्यूमन लाइव्स के ऊपर 10 टेल के पावर को टेस्ट कर चुका था। और दोस्तों सिंपल तौर पर बोलो तो ये बंदा वर्ल्ड के फ्यूचर को एकदम खराब कर दिया था। मादारा का कारनामा बहुत ही खतरनाक साबित हो चुका है। अब इस टू पे आता है ब्लैक चुस्सू, जो कि दोस्तों कागुया और सासुके का विल का अवतार था। दोस्तों जब ये पता चला था कि ब्लैक जुस्सू कागुया और सासुके का विल का अवतार है, तब दोस्तों ये भी पता चला था कि ब्लैक जुस्सू स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा विलन है। यहाँ पर इसको कागुया के द्वारा ही लाइव दिया गया था। ये एक्चुअली में ज्यादा सीरियस और नॉलेजेबल होता है। यहाँ पर ब्लैक जुस्सू स्टोन टैबलेट के कॉन्टेंट को भी चेंज कर दिया था और इसके वजह से सासुके का क्रिएशन हुआ था और मादारा उचिहा अच्छे से विलन में चेंज हो गया था। यही वो रीजन था जिसके वजह से फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर और भी बढ़ चुका था और मामला सीरियस हो गया था। सही में दोस्तों ये देखने में तो कुछ भी नहीं है, पर दोस्तों इविल के मामले में ये बहुत कुछ कर देता है। सिंपल तौर पर बोलूं तो ये दोस्तों एक छुपा रुस्तम था। लास्ट दोस्तों ये बहुत ही भयानक इविल वाला काम को अंजाम दे चुका है। फाइनली दोस्तों नंबर वन पे आता है कागुया और सासुके ही पूरी स्टोरी का ट्रू विलन थी। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो कागुया और सासुके ही नारुतो का फाइनल और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीगोनिस्ट थी और स्टोरी में दोस्तों इविलेस्ट कैरेक्टर में से एक साबित हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर कागुया और सासुके ये चाहती थी कि उसको सब एक गॉडेस की तरह पूजा करे और जब उसके बेटे चक्र के साथ जन्म लिए तब वो उन्हें मारना चाहती थी और उस समय साथ में सभी को मार डालना चाहती थी। कागुया और सासुके इन्फिनिट सुकी योमी को यूज की थी क्योंकि वो इनोसेंट पीपल को व्हाइट जेसु में चेंज कर सके और वो सभी उसके आर्मी के हिसाब से काम करे। यहाँ पर दोस्तों ये सील्ड होने से पहले ब्लैक जेसू को भी क्रिएशन की थी। यहाँ पर दोस्तों आप सोच के देखिए ये कितना एडवांस थी। और दोस्तों ये इतना खतरनाक काम कर चुकी है कि दोस्तों मोस्ट इविल विलन के लिस्ट में इसको नंबर वन तो आना ही था। तो दोस्तों यही था नारुतो में टॉप 10 इविलेस्ट विलन के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन नंबर वन पोजीशन डिसअप करता है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो में।